रहा है ये तो को निन्नू निन्नू क्यों आ रहा होगा मेरे पास आ जाओ। ये तो क्या हेलो माय डियर कैसा लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा है। किससे नाम पड़ा है भाव का? नौ से। मुझे बजाना आपने? ना नहीं बजाना। तो बोलिए तो पहचान लो। कैसे बजाना? अबे यार ये तो बहुत देखती है यार, ये देखती है और बड़ी वाली दीदी देखती है। शिप्रा जी कैसे हैं आप? बढ़िया। चमक कैसी रही देखना। तो हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम और पहलग। मैं रोहित नयाल स्वागत करता हूँ आपका पूनम विस ब्लॉग्स में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी एकदम बहुत बढ़िया है। नियति भी अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है क्योंकि हमने उसको दिखा लिया था हॉस्पिटल। और मैं तो जस्ट अभी जंतवाल गाँव अपनी साइट विजिट करके आ रहा हूँ जहाँ पर हमारा होम स्टे बन रहा है। तो ऑलमोस्ट काम ख़त्म होने की कगार पर है और अब थोड़ा बहुत टाइल वगैरह का काम बाकी है और पेंट पुट्टी पीओपी वगैरह का काम होना बाकी है। तो मेरे पीछे आपको एकदम ग्रीनरी दिख रही होगी क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी। आसू भाई की बेटी का आज नामकरण है तो नीरज और दिग्विजय भाई तो रुके हुए हैं बोहराकुंड में, तो मैं अभी जा रहा था। तो आज ब्लॉग की शुरुआत मैं ही कर रहा हूँ, आगे आपको दिखाऊंगा नामकरण की कुछ झलकियाँ। रावत जी के परिवार में जो खुशियाँ आई हैं उनको भी आपके साथ बांटेंगे। और पूनम और संदीप और मम्मी आज घर ही हैं, पिताजी आज गांव गए हुए हैं क्योंकि गांव में भी देखना ज़रूरी है। गांव में भी हमारा एक घर है जिसकी मेंटेनेंस वगैरह हमेशा करनी ही पड़ती है, आप लोग को पता ही है। गांव भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि गांव में भी सारे काम गांव से ही पूरे होते हैं हमारे। तो चलिए ये चलता हूँ आपको सीधे हल्द्वानी की तरफ। ये देखो दिग्गू भाई भी पहुँच गए यहाँ पे। हेलो दिग्गू भाई। हेलो। नीरज नहीं आया लेकिन अभी कहाँ है? अभी आ जाएगा, वो कह रहा था अभी 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा मगर 11 बज गए। मेरे पीछे आपको यूनिवर्सिटी भी दिख रही होगी, ये माइंड पावर यूनिवर्सिटी भी खुली है यहाँ पे एक बड़ी सी, ये देखो। और ये देखो ये सीन देख के मैं रुक गया यहाँ पे क्योंकि कुछ इस तरीके का नज़ारा दिख रहा है हल्द्वानी का। ये देखो आप, बारिश के बाद ना अक्सर मौसम बड़ा बढ़िया हो जाता है लेकिन आज थोड़ा बादल है, उतना नीला स्काई नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत बढ़िया मौसम है। रोडों का काम भी चल रहा है लगातार। तो अभी हम हिल्स व्यू रेस्टोरेंट के पास में रुक गए हैं, चाय वाय पीने, थोड़ा पकौड़ी खा लेते हैं क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं करके आए हम तो। बहुत बढ़िया व्यू है। दिग्गू भाई बता रहे हैं कि यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू है और उनके दादाजी का माला कोट है यहाँ है। दिग्गू भाई हाँ, वो जो सामने दिख रहा है, क्या नाम है वहाँ का, मैं दिखाता हूँ आपको एक सेकंड। ये देखो कहाँ, अमिया कहते हैं इसे, अमिया। अच्छा अमिया वहाँ जहाँ खेत दिख रहे हो, देखो आपको उधर खेत दिख रहे हो ना, यही अमिया हुआ। लेकिन जंगल आजकल कैसे हो रखे हैं, हरे भरे एकदम बढ़िया से। बंदर वहाँ, बंदरों को देखना, बंदर मस्त से भयंकर आराम फरमा रहे। ओए ओए हेलो। एकदम झसक गया वो देख के। कैलाश भी दिख रहा है ना, थोड़ा बादल से ढका हुआ है, सामने है छोटा कैलाश। और ये महाराज भी पहुँच गए यहाँ पे, वो भी बहुत सारे गिफ्टों के साथ। शिप्रा के लिए लाए क्या हेलमेट? गिफ्ट कहाँ से लिए? गुड यार, मैंने तो लिया ही नहीं अभी तक। चलो फिर निकले, चलते हैं अब सीधे हल्द्वानी। ये देखो हम यहाँ छाट रहे गिफ्ट। अब नामकरण शुरू भी होने लग गया होगा वैसे तो ना, पूजा पाठ देखते हैं। यहाँ गिफ्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन न्यू बॉर्न बेबी के लिए कुछ नहीं मिल रहा हमें। शिप्रा जी कैसे हैं आप? बढ़िया। चमक कैसी रही देखना भाई साहब, ग्लो। ये देखो एक टैडी का बच्चा, एक टैडी, ये ले रहे हैं भौ के लिए हम गिफ्ट में, और कुछ नहीं है। देखो गिफ्ट भी ले लिया हमने, फिर निकलते हैं सीधा नामकरण में। हम लोग भाई आशु भाई के घर ही नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि कुछ कुछ रोडें बीच में बंद है क्योंकि वहाँ पे पेड़ काट दिए इन लोगों ने यार। इतना बुरा लग रहा है ना, मतलब क्योंकि इतने पेड़ कट चुके हैं हल्द्वानी में बेहिसाब। ऐसे में गर्मी नहीं होगी तो क्या होगी बताओ। और रास्ता अभी हम लोग भटक चुके हैं, देखते हैं रास्ता पूछ रहे हैं ये लोग पीछे, फिर जाएंगे दूसरे रास्ते। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी हल्द्वानी में। दादा मिल गए यहाँ फाइनली। दादा मैंने कहा घर का रास्ता है कि कौन सा रास्ता है, देखो कैसे कैसे घुमाया, इतना घुमा दिया भाई घर ढूंढने में। यहाँ देखो मस्त से सजावट हो रखी है भाव के नामकरण के लिए। अब देखते हैं भाव का क्या नाम रखा है पंडित जी ने। आंसू भाई को ढूंढना पड़ेगा। चलो जी उतरो, फाइनली मिला घर भाई साहब इतने ढूंढने के बाद।
ये देखो ताई भी मिल गया हमें। भाई बधाई हो, बधाई बधाई बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे बजाना आपने ना, नहीं बजाना तो वो पहचान लो। ऐसे बजाना, अबे यार नीरज को तो गंजे सर से पहचानती है ताई। यहाँ फोटोग्राफी चल रही है भाई साहब, सेल्फी। आप फोन कर लेना जैसे ही आओगे ना, फोटो खींचते रहते हैं बस। ये आए हमारे बिटिया के पापा। बधाइयां सर। किससे पड़ा है नाम? नंदिनी। नंदिनी, ओ भाई साहब सेम नाम। सेम नाम पड़ गया हमारी बिटिया और नियति और नंदिनी। हाँ देखो चल रहा है फोटो शूट। ये है हमारी बच्ची। हेलो नंदी, नंदिता। मैं छोटे पापा यार। तो मैं भाभी जी, ये हमारा भो। कैसा लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। किससे नाम पड़ा है भो का? नौ से। नौ से। हमारी नियति की तरह नंदिता, नेहा, नंदिता, नियति, कुछ भी। तू क्या बोलेगा बता? नौ से। नौ से क्या? नीरज थोड़ी हो जाएगी वो। अबे नौ से नीरज थोड़ी हो जाएगी। क्या बोलेगा? दादा कौन है, उनसे मिला हो तो सही? दीदी से। ये दीदी है यार मेरी। अच्छा। और वो भांजा है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? अच्छा व्लॉग देखते हो? ये तो बहुत देखती है यार। ये देखती है और बड़ी वाली दीदी देखती है। अच्छा नाम कर। और वो तुम्हारे हाथी वाला भी देखा इसने। अच्छा चलो बढ़िया। मैं दिखा रहा हूँ कि हमारा भोजन हो चुका है। राजू भाई भी आ गए यहाँ, चंदू भाई। भाई साहब वहाँ देखो खाना हो गया सर। ये देखो रे, ये जासूस। ये जैसे नियति को निन्नू निन्नू क्यों आ रहा होगा? मेरे पास आ जाओ नियति के। हेलो माय डियर। पापा तुमको मेरी याद नहीं आई? हेलो माय डियर। तुमको मेरी याद नहीं आई? बोल देखो तुम्हें देख रही है। शर्म पापा हो हैं? पापा तो हल्द्वानी गए थे ना बाबू। पापा तो हल्द्वानी गए थे ना। मेरा नियति, पापा तो हल्द्वानी गए थे। भाव के लिए तो चीजी लेके आए। भाव के लिए तो क्या लाए? भाव के लिए लाए चीजी। चीजी लाए ना भाव के लिए। और ये मेरा बाबू, मेरा नुन्नु, मेरा चुन्नु। मेरी याद नहीं आई? परेशान करेगी तो फिर मैं इसकी पिटाई भी तो करूंगा। आज तो पापा को परेशान करेंगे। दुन 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 दुन। नहीं करेगा ना बाबू, नहीं करेगा ना। हाँ मेरे बाबू तो अच्छा है। ये क्या, ये बुद्धा की तरह क्या कर रहा है? एक हाथ से काटी रात में खींचू में तू पाई नहीं। पापा को तो मिस कर रहा होगा ना? पापा को तो तू मिस कर रही होगी ना बाबू? पापा की आवाज नहीं सुनी ना पाने? इन्होंने देखो खाना नहीं दिया, इन्होंने मेरे भाव को खाना नहीं दिया। ये हल्द्वानी से अब जाके आ रहे हैं। अभी रात के 9 बज गए हैं।
हमको लेट हो गया, बोलो ना, हमको बहुत सारा सामान देखा हमने हल्द्वानी में, बहुत सारे काम की चीजें जो साइड में लगनी है, सब चीजों के रेट वेट पता करके आए, तो पापा को लेट तो हो ही जाती है, बोलो, इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतने सारे काम है, रोना नहीं, देखो सुनो नियति, सुनो सुनो नियति, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक बार सुन लो, एक ही बार सुन लो, आप इतना रोते क्यों पहले बताओ मेरे को, देखो सब लोग देख रहे हैं आपको, देखो वहां से देख लो पहले, आप ऐसे परेशान करोगे तो फिर कैसे होगा, और चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको इरिटेट नहीं कर रहा।